मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूरी शहरी विकास प्राधिकरण के जमीन घोटाले मामले के केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 3 याचिकाओं के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। इससे पहले 26 जुलाई को एडवोकेट एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम की याचिका पर राज्यपाल थावरचंद ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें 7 दिन के भीतर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त को राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी थी और उन पर कार्यालय की शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया था। मूड़ा घोटाले के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और 9 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने मूड़ा अधिकारियों के साथ मिलकर 50:50 साइट वितरण योजना के तहत महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का कहना है कि राज्यपाल ने कानूनी तौर पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सिद्धारमैया 2 मामलों में दोषी हैं। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के विधायक अजय धर्म सिंह ने कहा कि यह अपेक्षित था, हम जानते थे कि केंद्र सरकार हमारे लोकप्रिय लोगों की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। Mr. Siddaramaiah, so now they are going out of the way. This is just by T.J. Abraham. T.J. Abraham has given it to various other people, but nothing like this has happened. Let something be proved. It's been discussed threadbare earlier also. Nothing is going to happen. Nothing is going to come out of it. And we are all the MLAs, ministers and the high command. We are standing strong with our chief minister and nothing will happen. No, they will demand. When we had demanded, when it was proved against Mr. Yediyurappa, how many months did they take? How many years did they take? What happened? Nothing happened. Now overnight, when they asked for prosecution, if you are going to expect our popular chief minister to resign, now we are not going to let him do it. What is your next step, sir? We are going to see. We are going to go to the court. Our high command, our leaders, ministers. आज गवर्नर ने, राज्यपाल ने कानूनों को स्टडी किया है। ये केस है भारतीय जनता पार्टी का केस नहीं है। केजे अब्राहम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है। अब्राहम, प्रवीण और स्नेहमय कृष्णा, ये 3 लोगों ने गवर्नर को केस दिया था पहले, उसको गवर्नर ने स्टडी किया, सबसे बात किया, कानूनी तरीके से प्रोसिक्यूशन को आज परमिशन दिया है। सिद्धारमैया 2 केस में कल्प्रिट है, अपराधी है। एक वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में खुद वो विधानसभा सेशन में मान लिया है ये करप्शन 187 करोड़ का नहीं है, ये केवल 89 करोड़ का है। लाइक 89 करोड़ का करप्शन हो गया, ऐसे खुद सिद्धारमैया ने मान लिया है। ये पैसा किधर गया? ये पैसा तेलंगाना इलेक्शन को गया, चुनाव के लिए कांग्रेस के अकाउंट में गया। उधर वाइन शॉप को पैसा दिया, उधर ज्वेलरी शॉप को पैसा दिया, एक प्राइवेट बैंक को पैसा दिया। प्राइवेट बैंक से पूरा कांग्रेस पार्टी को ये पैसा गया। हमारा गरीबों का पैसा, हमारा गंगा कल्याण बोरवेल का पैसा, हमारा बच्चे का पैसा तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव को दिया है, ये सिद्धारमैया ने किया, ये खुद मान लिया है। दूसरा,